नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। यूपी सरकार के संसदीय चिकित्सा मंत्री ने की प्रेस वार्ता। जनपद मुजफ्फरनगर के गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आगामी 1 दिसंबर को शिक्षक व स्नातक सीट पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें 11 स्थानों पर भाजपा भी चुनाव मैदान में है। उन्होंने स्वीकार किया कि विधान परिषद में, जो कि उच्च सदन है, भाजपा कमजोर स्थिति में है। वहां मात्र 19 सदस्य हैं। यद्यपि बिल पास कराने के लिए भाजपा को भारी मेहनत करानी पड़ती है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे मजबूत एजेंडे और मजबूत नेतृत्व का ध्यान रखते हुए भाजपा प्रत्याशियों को जिताएं। उन्होंने विभागीय जानकारी देते हुए बताया कि अभी कोविड की वैक्सीन तैयार नहीं है और ठंड बढ़ जाने के कारण दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुरू में उत्तर प्रदेश में टेस्ट बहुत कम हो रहे थे, जो बाद में बढ़ा दिए गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 7,644 मृत्यु के केस हो चुके हैं और 5,33,355 केस पॉजिटिव बनकर उत्तर प्रदेश में निकले हैं, जिससे चिंता का वातावरण बना हुआ है और वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 21 से 40 साल तक के युवा भी इसका शिकार होने जा रहे हैं। मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रमुखता से मनाया जाएगा, क्योंकि 1949 को कल के दिन ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। मुख्य कार्यक्रम गुजरात में होगा, जहां प्रधानमंत्री जिसमें भाग लेंगे। प्रातः 11 बजे संविधान के प्रति शपथ आदि ली जाएगी। उन्होंने माना कि लॉकडाउन के कारण जो आर्थिक गतिविधियां शिथिल हो गई थी, वो अब अगस्त माह से पुनः चालू हो गई हैं। इस अवसर पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने उपस्थित प्रतिनिधियों एवं उम्मीदवारों का सभी से परिचय कराया। पत्रकार वार्ता के समय स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री विजय कश्यप, जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, विधायक विक्रम सिंह सैनी, विधायक प्रमोद ओटवाल, पूर्व विधायक अशोक कंसल, जिला मीडिया प्रभारी अंचित मित्तल, विजय सैनी, रोहित वाल्मीक, सुधीर खटीक, प्रवीण शर्मा, साधना सिंघल, जिला संयोजक प्रवीण शर्मा, सुषमा पुंडीर, रेणु गर्ग आदि भी मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी ने बुके देकर मंत्री का स्वागत किया और प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। सुरेश खन्ना, संसदीय व चिकित्सा मंत्री, यूपी सरकार, विशाल प्रजापति, मुजफ्फरनगर की रिपोर्ट। परिणाम आए हैं, वो एक प्रकार से फिर से सरकार के प्रति विश्वास दोहराया गया है संपूर्ण जनता का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी के प्रति जनता का अटूट विश्वास है और उसी आधार के ऊपर हम सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि सभी मतदाता विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सहयोग करें। और जहां तक कोरोना की महामारी का सवाल है, हमने कोरोना के फैलाव को रोका है, हमने मृत्यु दर और पॉजिटिविटी रेट भी कम किया है और रिकवरी रेट को बढ़ाया है। आगे भी हम लोगों से यही अपील करते हैं कि पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं आती, जब तक वैक्सीन नहीं आता, तब तक कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए। स्नातक के चुनाव में लगातार पूरा मंत्री अनुराग सरकार, यूपी सरकार का उतरा हुआ है, सड़क पर क्या समझते हैं, इतना अहम क्यों बना दिया गया? हमने पूरी तरीके से चुनाव आचार संहिता का पालन किया है। आज मैं अपनी प्राइवेट गाड़ी से आया हूँ।